हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हेलेंट का 8वां चैलेंज में। और इस चैलेंज को हम लोग बहुत आसानी से कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले 3 गोब्लिन को यहाँ पे छोड़ना है कॉर्नर पे, और 2 गोब्लिन को दूसरे वाले कॉर्नर पे छोड़ना है, जो कि स्टोरेज को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा। और उसके बाद एक इलेक्ट्रो ड्रैगन को रेज स्केल के साथ छोड़ना है, जो कि आर्चर की तरफ मूव करेगा और फिर एयर डिफेंस को भी ख़त्म कर देगा। उसके बाद इसका काम तमाम हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है कि क्वीन को इस साइड पे कॉर्नर पे छोड़ना है, और इसको तब तक यूज करते रहना है जब तक ये एयर डिफेंस को ख़त्म न कर दे। तो देखिए, क्वीन अपना काम में लग गया और ये टेस्ला भी ख़त्म हो गया और यहाँ पे सिर्फ कैनन बचा है। उसके बाद ये आर्चरी को मारेगा और फिर उसके बाद एयर डिफेंस को ख़त्म कर देगा। तो क्वीन का एबिलिटी यूज कर लेते हैं और ये आर्चरी गया। उसके बाद ये विजार्ड को भी मार रहा है, लेकिन अब एयर डिफेंस को भी ख़त्म कर देगा। तो इस तरह से हमारा 2 एयर डिफेंस ख़त्म हो चुका है। और तीसरे अब किंग को यूज करते हैं यहाँ पे इस कॉर्नर पे, और किंग थोड़ा आगे बढ़ रहा है। और उसके साथ ही इलेक्ट्रो ड्रैगन और लून्स को सारे को एक साथ ही छोड़ देते हैं वहाँ पे, और किंग का एबिलिटी यूज कर लेते हैं, तो एयर डिफेंस को भी मार देता है। उसके बाद इलेक्ट्रो ड्रैगन के साथ विजार्ड को छोड़ेंगे, क्योंकि विजार्ड के रेज स्पेल के साथ जो एबिलिटी है वो इसको कंप्लीट करेगा। और इलेक्ट्रो ड्रैगन को पावर को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे टाउन हॉल के पास पहुँच चुका है इलेक्ट्रो ड्रैगन, और यहाँ पे जो हमारा सीज था उसमें से एक ड्रैगन निकला है और 2-3 लूज निकले हैं, ये भी इन्फर्नो की तरफ बढ़ रहे हैं। और टाउन हॉल देखिए, टाउन हॉल भी ख़त्म हो चुका है, अब सिर्फ कुछ ही डिफेंस बचा है, लेकिन आर्मी भी बहुत कम बचा है। अब अभी भी हमारे पास 3 इलेक्ट्रो ड्रैगन बचा हुआ है और 2-3 लून बचा हुआ है, लेकिन ग्रैंड वार्डन अभी तक बचा हुआ है। तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं इस हेलेंड को, और आर्चर जो बचा हुआ था उसको भी यूज कर लेते हैं, लेकिन अब एबीएस पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।